हम हर संसद सदस्य को जो रिजर्व कैटेगरी का है उसको लिखने के उसको मतलब संबोधित किया। तो ये मैंने मतलब ऊपर थोड़ा सब्जेक्ट सा लिखा है, उसके बाद मतलब मैं थोड़ा पढ़ूंगा इसको। आज जो भी हालात है जिसमें दलितों आदिवासियों की पिटाई की जा रही है और हत्याएं की जा रही है, बाबा साहेब और महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है और अब तो हद ही हो गई कि एकमात्र कानून जो दलितों और आदिवासियों के सम्मान का सुरक्षा का कवच था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह भी छीन लिया गया है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वे हैं लोकसभा और राज्यसभा में बैठे दलित और आदिवासी सांसद। गंभीरता से विचार करें कि आप कर क्या रहे हैं। मैं यहां से पत्र शुरू कर रहा हूं, आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं, निश्चित रूप से आपके पास समय की बहुत कमी होगी, इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि हो सके तो अपने समाज के लिए 2 मिनट का वक्त निकालकर मेरे पत्र को या विचारों को अवश्य पढ़ने की कृपा करें, आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप सब कुछ जानते हैं कि देश की आजादी और संविधान लागू होने से पहले आप हिंदुओं की मनुस्मृति के आधार पर व्यवस्था सूत्र वर्ग की भी उपवर्ग अछूत वर्ग की उन जातियों का हिस्सा थे जिनको ना तो पढ़ने का ही अधिकार था, ना ही पक्के घर बनाने का अधिकार था, ना ही संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था, गांव के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं था। गांव प्रधान, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री बनने का तो सपना भी नहीं देख सकते थे। परंतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लंबे संघर्ष और पूर्ण बैठ के बाद संविधान के माध्यम से यह सब संभव हो पाया जिसमें उन्होंने 10 वर्षों के लिए राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की, जिसकी वजह से आज आप सांसद हैं। क्योंकि बाबा साहब ने यह समझा था कि किसी भी समाज की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने की कुंजी राजनीतिक शक्ति है, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में राजनीति के हर स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे हमारे समाज के संसद और विधानसभाओं में चुने हुए नेता न केवल दलितों और आदिवासियों को संविधान के माध्यम से दिए गए अधिकारों की रक्षा करेंगे बल्कि समय और परिस्थिति के बदलाव के साथ साथ और अधिक अधिकारों को दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। उनका यह कहना कि जिस रथ को बड़े संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ उसे यदि आगे ना बढ़ा सको तो उसे पीछे किसी भी हालत में उसे किसी हालत में छोड़ देना, परंतु किसी भी हालात में उसे पीछे नहीं जाने देना है। बाबा साहब द्वारा दिलाए गए अधिकार क्या आपके रहते धीरे धीरे समाप्त नहीं हो रहे हैं? क्या इन अधिकारों की रक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं हम आरक्षण कुछ हालात में कर देंगे जिसका होना या ना होना बराबर होगा। यह बेहद पीड़ादायक है कि किसी भी दलित और आदिवासी सांसद की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। कल जब यह संविधान बदल देंगे या बिना बदले ही राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर देंगे तो उन्हें प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। ना जाने कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना जाने कितना धन, समय और मेहनत लगेगी, क्योंकि आज तो आपके पास संसद और विधानसभाएं हैं तो आप विरोध करने या कुछ कहने और अपनी बात मनवाने में सक्षम हैं। यदि राजनीतिक आरक्षण एक बार चला गया तो कुछ नहीं बचेगा और हम सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे जिसके जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग होंगे और आपको आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि समाज के अधिकारों को बचा लीजिए। आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश में 2 तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हैं, एक लोकतांत्रिक विचारधारा और दूसरी सांप्रदायिक विचारधारा। सांप्रदायिक विचारधारा के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई है, जिसका उद्देश्य भारत का नाम हिंदुस्तान रखना, संविधान बदलना, आरक्षण समाप्त करना, मनुस्मृति को लागू करना, हिंदू राष्ट्र घोषित करना और हिंदू राष्ट्र बनाकर वर्ण व्यवस्था लागू करके अछूत समाज को फिर से अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के अंधेरे में ढकेल कर मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाकर रखना है। अभी हाल ही में RSS ने मेरठ में राष्ट्रोदय नाम से कार्यक्रम रखा था जिसके पोस्टरों में हिंदू धर्म के जिन 5 वर्णों का जिक्र किया गया था वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। वाल्मीकि, बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास को अछूत वर्ग में लिखा। वर्तमान समय में इस वर्ण व्यवस्था का विरोध संसद भवन में आपको करना चाहिए था, परंतु आपकी चुप्पी के कारण इन पोस्टरों का भारी विरोध दलित समाज के युवाओं को करना पड़ा, जिसके कारण RSS ने इन पोस्टरों को हटा लिया, परंतु उन्होंने अपनी सोच और अपनी विचारधारा का खुलकर प्रचार तो किया। संभवतः यह भी आपको पता ही होगा कि आजकल श्री रविशंकर प्रसाद टीवी पर और अपने कार्यक्रमों में नए संविधान की प्रतिलिपि यह कहकर दिखा और प्रचारित कर रहे हैं कि देखो
इस संविधान की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई है, जिस पर भगवान राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा और विष्णु की फोटो लगी है और जिस पर श्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर के हस्ताक्षर है। यानी कि संविधान बदलने मात्र से दलितों और आदिवासियों के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, जिसमें दलित और आदिवासियों का राजनीतिक आरक्षण भी शामिल है। संभवतः आपको यह भी पता ही होगा कि ये सब वे करेंगे कैसे। किसी भी बदलाव के लिए लोकसभा राज्यसभा में बहुमत का होना जरूरी होता है। आरएसएस और भाजपा के गणित के अनुसार 2019 के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सन 2022 तक में राज्यसभा में भी बहुमत में होंगे, फिर संविधान बदलने का इनका सपना पूरा हो जाएगा। फिर ये हिंदू राष्ट्र घोषित करके मनुस्मृति लागू करके दलित पिछड़ों आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों को बहुत हद तक सीमित कर देंगे। और बड़े दुख और पीड़ा की बात यह होगी कि इस कार्य में आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं और कर रहे होंगे, यानी यह अपने कारों को कुल्हाड़ी मारने जैसा तो होगा ही, साथ ही साथ बाबा साहब के पूरे संघर्ष पर पानी फेर कर दलित और पिछड़ों की 60 करोड़ आबादी को फिर से अंधेरे की गर्त में डालने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी, आपकी खुद की आने वाली पीढ़ी अभी आपको कोसेगी। ऐसे हालात में जब दलितों और पिछड़ों पर हर प्रकार से चारों तरफ हमले और अत्याचार हो रहे हो, तो आपकी चुप्पी हम सबको बहुत हैरान करती है। यह भी कहीं हद तक सही है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को पार्टी के दिशा निर्देशों और नीतियों पर चलना पड़ता है, परंतु अछूतों दलितों की स्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि दलित और आदिवासी सांसदों को बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से दलितों के अधिकारों, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिया था। अतः दलित सांसदों और विधायकों की पहली प्राथमिकता पार्टी के दिशा निर्देशों पर चलने की नहीं है, बल्कि दलितों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। इसलिए जब भी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार होता है या उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो पूरे देश के दलित आपकी ओर बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, परंतु आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो बेहद निराश हो जाते हैं। कांग्रेस और भाजपा एवं आरएसएस की विचारधारा को साहस के साथ छोड़कर या एक किनारे रखकर दलित पिछड़ों आदिवासियों को आगे बढ़ाने पर विचार करें। अंत में आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बचा लीजिए बाबा साहब का संविधान और दलितों पिछड़ों आदिवासियों के अधिकारों को। आज आपका कांग्रेस और भाजपा से सांसद की तुलसी छोड़ने का यह बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। यदि सभी सांसदों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कुर्सी भी नहीं जाएगी और दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के अधिकारों की वापसी भी हो सकेगी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।